Hey everyone! Good afternoon, good morning, and good evening. My name is Vishwadeep, and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for unlimited learning. There are so many strategies, so many different different plans and their execution plans, and there are so many different different kind of planning. But today I am going to talk about five those top secrets, those top. Five which can help you the in gate exam. तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बहुत, बहुत, बहुत ऐसे पांच पॉइंट के बारे में जो कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी गेट प्रिपरेशन के लिए किसी भी एस्पीरियंट के लिए कि अगर इन पांचों चीजों पे अच्छे से ध्यान दिया जाए सही तरीके से तो स्टूडेंट का सक्सेस पक्का है चाहे वो कितना भी कितना भी नॉर्मल हो उसे ऐसा लगता है या कितना भी एवरेज रहा हो अभी तक तो चलिए आइए उनके बारे में जानेंगे बट उसके पहले मैं क्विकली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं माय नेम इज विश्वदीप एंड आई वर्क एज अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म ये रहा मेरा प्रोफाइल गेट कंप्यूटर साइंस रैंक मल्टीपल मास्टर्स एक्सपीरियंस ऑफ फिफ्टीन प्लस ईयर्स इन टीचिंग आप लोगों के लिए इस चैनल पे और अन्य प्लेटफॉर्म पे ढेर सारी क्लासेस लेता हूं जिनका नाम है कुछ स्पेशल है चलिए आइए स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली बिल्कुल भी वेट नहीं करना है क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग यू गाइज यू ऑल आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट टू नो कि ऐसे क्या सीक्रेट है देखिए सीक्रेट कोई ऐसे नहीं है जो अननोन है नोन है बट आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है बड़ी सिंपल सी डिफरेंस है इन चीजों में जो मैं कहने जा रहा हूं कि नोन चीजें हैं बट अवेयर होना जरूरी है आपको उस चीज को लेके। अदरवाइज आप फिर कहीं न कहीं पीछे रह जाएंगे कोई भी चीज हो अवेयरनेस होना जरूरी है कि ऐसा भी करना पड़ता है जैसे कि कल शाम में एक चीज मेरे साथ हुई मैं अपनी कार लेके बाहर निकला थोड़ी देर के लिए एक सिंपल सी चीज है नोन है कि मुझे जब भी कार लेके बाहर जानी है तो मुझे चेक करना होना चाहिए कि कार ठीक ठाक है या नहीं बट मैंने चेक नहीं किया अवेयरनेस नहीं रखी और मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे पता चला कि वन ऑफ द टायर ऑफ माई कार इज फ्लैट जी हां वो पंचर हो चुका था तो ये सिंपल सी अवेयरनेस थी बट उसके बारे में मुझे पता तो था बट उस वक्त मैं अवेयर नहीं था कि ऐसा है इसलिए मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई मुझे अपनी गाड़ी टो करवा के और एक पर्टिकुलर रिपेयर शॉप तक लेके जाना पड़ा टाइम लगा एफर्ट्स लगे मेरा टाइम वेस्ट अलग हो गया मेरा मेहनत अलग से लगा पैसा अलग से लगा This is what happens with the students when they prepare for gate. They know a lot of things, but they are not aware of the fact कि अगर ये कर लिया तो क्या होगा और ये कर लिया तो क्या होगा और ये नहीं किया तो क्या होगा और ये करने से क्या होगा और ये नहीं करने से क्या होगा ई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दो नोन फैक्ट ओनली जिनके बारे में आपको अपने आपको अवेयर करवाना है और उस सिचुएशन में आपको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करवाना है तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि पहला पॉइंट है क्या पहला पॉइंट है ये डोन्ट रन फॉर द सिलेबस रादर देन लर्न द कंसेप्ट स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा एम जो होता है सर सिलेबस कब तक खत्म करें सर सितंबर तक अगर खत्म होगा तो चलेगा सर नवंबर तक चलेगा सर अक्टूबर तक चलेगा सर सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है बहुत बड़ा है इतने सारे कोर्सेज बचे हुए हैं सर सिलेबस खत्म करना है टेंशन हो रही है सर सिलेबस खत्म करना है सर सिलेबस खत्म हो गया अब क्या करें आई एम टॉकिंग अबाउट वन थिंग कि आपको सिलेबस खत्म करने का इतना क्या बेनिफिट मिलता है कि उसके पीछे आप बेसिक चीज भूल जाते हो कि भैया सिलेबस खत्म करने का मार्क्स नहीं मिलता गेट में देखो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं उनको बताने का है कि मैंने सितंबर में ही सिलेबस खत्म कर लिया था मेरे को चार मार्क्स दो मैंने अक्टूबर में खत्म किया मेरे को तीन मार्क्स दो एक्स्ट्रा ऐसा होगा क्या नहीं ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसे मार्क्स मिलेंगे मार्क्स मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे सर क्वेश्चन कैसे सोल्व करें सिलेबस खत्म करने से सर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे एंड आई एम लाइक इज इट सो सीरियसली अगर आपने एक एक बार सिलेबस को सुन लिया है तो क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे पक्का आप बताओ मुझे यू टेल मी कि क्या एक बार पूरा सिलेबस सुनने से और समझ लेने से कि हाँ मेरे को ये कंसेप्ट समझ में आ गया ठीक है जहां से भी आपने पढ़ा क्या उससे मार्क्स मिलेंगे या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे दो चीजों की वजह से एक आपको चीजें याद रखना पड़ेंगी विच इज ऑफकोर्स मैंडेटरी और सेकेंड चीजों का जो आपने पढ़ा है उस चीज का आपको कंसेप्चुअली सही अंडरस्टैंडिंग पता है कि ये होता क्यों है किस तरीके से है किस लिए है और यही क्यों होता है ये क्यों नहीं आपको पता होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में करेक्ट कौन सा कंसेप्ट लगाने से किस तरीके से फॉलो करने से ये क्वेश्चन का आंसर आएगा और उसके लिए चाहिए एकदम डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ आप कि आप लोग जब हम हम टीचर्स को क्वेश्चन देते हो तो हम तो फटाफट -फड़ सॉल्व कर देते हैं किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को अगर नया है तो भी आप लोगों से नहीं बनता ना पहली बार में होता है ऐसा बहुत बार हुआ है हुआ है कि नहीं हुआ है हुआ है ना ऐसा क्यों ऐसा क्यों टीचर्स क्यों जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और स्टूडेंट से क्यों नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हमें कंसेप्चुअली

आपने क्या किया एक टाइप के क्वेश्चन जो सर ने बताए वो सॉल्व कर लिए अब अगर कुछ नया क्वेश्चन आया सरेंडर गोली मार दो हमको, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो कंसेप्चुअली समझना है कि अप होता क्या है या कोई भी टॉपिक होता क्या है क्यों है कैसे है ये इंफॉर्मेशन कैसे निकलेगी अगर आपको पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बट इसका कहां से कैसे मिलेगा सर कांसेप्ट हमारा तो ध्यान ही नहीं है कांसेप्ट सीखने में हम तो एक चीज करेंगे जो सिखाया वो याद रखा और उसी से डायरेक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए वो कर दिए बाकी के नहीं आरीबा समझ में तो ये जो सिलेबस है उसके पीछे नहीं भागना है कि सिलेबस करो सिलेबस करो सिलेबस करो हर कोई यही करता रहता है बस सिलेबस करो खत्म करो बस सिलेबस बट सिलेबस खत्म करने से आंसर नहीं आएगा किसी भी टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे उस लेवल के जो लेवल बहुत टफ है बहुत डिफरेंट है उसके लिए कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और उसके लिए चाहिए आपका प्रेजेंस वहां पे जब आप लर्न करते हो तो सिलेबस कवर करने के साथ ही साथ इस चीज पे भी ध्यान दो कि कंसेप्चुअली हर चीज का सही अंडरस्टैंडिंग जरूरी है किसी टीचर ने कहीं से भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ये फॉर्मूला होता है ये लगाओ आंसर आ जाएगा बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से क्यों आया यही फार्मूला क्यों है इसके वेरिएशन हो सकते हैं क्या अगर इस फॉर्मूला में एक चीज अनोन हुई तो दूसरी चीज कैसे निकलेगी ये सब के बारे में सोचना पड़ेगा आपको डेरिवेशन क्यों आया ये फॉर्मूला कहाँ से आया किस तरीके से आया कौन सी सिचुएशन में ये फॉर्मूला बदल सकता है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फिट तब जाके ये जो मैंने बात की है ना कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात है वो आएगी जबकि आपके थ्री इडियट का एक बहुत सिंपल सा डायलॉग है किसका कि एक्सीलेंस के पीछे भागो है ना ग्रेड्स जो है ऑटोमेटिकली आएंगी सिमिलरली सिलेबस अगर आप थोड़ा सा कम भी करोगे चलेगा बट जितना आपने किया है अगर आपने बहुत उसको समझा है तो मार्क्स अच्छे आएंगे मैं अपना एग्जाम्पल दू गेट ट्वेंटी में मैंने लास्ट टाइम गेट पेपर लिखा था उस टाइम पे मुझे कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्वेश्चन नहीं बना डिस्क्रीट ढेर सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए एलगोरिदम के भी दो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए क्यों नहीं बन पाया क्योंकि उसके बारे में मैं भूल गया था सारी चीजें आई कुड नॉट रिकॉल इट टीओसी के काफी सारे क्वेश्चन नहीं बने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं बने बट स्टिल आई गॉट आई गॉट फोर हंड्रेड फोर्टी रैंक मेरे को सिक्सटी मार्क्स आए बिना कोई प्रिपरेशन के क्योंकि मुझे जो पता था सीओ ए हंड्रेड परसेंट कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है मेरे को उस कोर्स की मेरे को सारे क्वेश्चन बने चाहे वो कितने ही टफ हो उसमें दो दो ऐसे क्वेश्चन आए थे सीओ के जो हर किसी से मुश्किल है कि एक बार में गेट में बन जाए डेफिनेटली बहुत मुश्किल है सेकेंड चीज ओ सारे क्वेश्चन बने डेटा स्ट्रक्चर सारे क्वेश्चन बने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बने कैसे बने कैसे बने वो एप्टीट्यूड के काफी सारे क्वेश्चन बने कैसे बने क्योंकि मुझे ये पता था आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी कि मेरे को क्या पता है you, कि आपको ये करना है आपको सक्सेस पाना है मेरे पास है बहुत सारी रैंक है मेरे पास ऑलरेडी मैं काश अगर दे देता तो तुमको बांट देता कि ये ले जाओ चार रैंक चीज को चाहिए बट ऐसा नहीं है आपको कंसेप्चुअली अपने आप को सिखाना पड़ेगा चीजें ये ये क्यों होता होता है ये क्या होता है क्या कब होता है कैसे होता है किस तरीके से होता है सब कुछ अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आप स्ट्रगल करोगे किसी भी लेवल पे स्ट्रगल करोगे आज से तीन साल बाद भी स्ट्रगल करोगे गेट एग्जाम में लिखने के लिए दूसरी चीज बच्चे डरते हैं टेस्ट लिखने से सर हमने वो टेस्ट लिखा था और टेस्ट लिखते लिखते ना हमको पहली बार में मार्क्स नहीं आए तो हमने छोड़ दिया हम पूरा पहले प्रिपरेशन करेंगे फिर रिवीजन करेंगे उसके बाद पूरा अच्छे से दो तीन बार प्रैक्टिस करके रिवीजन करके उसके बाद लिखेंगे टेस्ट एक सिंपल सी चीज बताओ आपको जीतना है वर्ल्ड कप है ना वर्ल्ड कप जीतना है किसी दूसरी टीम्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और आप बोल रहे हो कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हम खाली नेट प्रैक्टिस करेंगे रोज 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 कोई मैच नहीं खेलेंगे क्रिकेट मैच नहीं खेलना क्यों क्योंकि मैच खेलने में ना दूसरी टीम के बॉलर्स आएंगे हमारे सामने और उनके सामने हमको लगता है डर हम खेल नहीं पाते आउट हो जाते हैं उस चक्कर में ना हम मैच नहीं खेलेंगे हम हमारी टीम के प्लेयर्स को अलग अलग टाइप की बॉलिंग के बाद प्रैक्टिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे और जब तक हम एकदम परफेक्टली रेडी ना हो जाए वो भी वर्ल्ड कप के जस्ट दस दिन पहले या एक महीने पहले तब फिर हम मैच खेलना शुरू करेंगे कौन सी ये ऐसी स्ट्रेटेजी या जिसको बोलते हैं रणनीति है जिसमें आप मैच नहीं खेल के और मैच जीत जाओगे वर्ल्ड कप वाले इतने सारे टफ मैचेस, बुरी रणनीति है ना सेम चीज होता है सेम चीज होती है देखो अगर आपको गेट में टॉप करना है तो वहां भी एक टेस्ट ही लिखना है और अगर आप बोलते हो कि सर हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है एक कोर्स तो प्रिपेयर किया ना आपने अभी उस कोर्स का तो टेस्ट लिख सकते हो सारे का किसने लिखने बोला जो कोर्स आपने एक प्रिपेयर किया है उसका तो टेस्ट लिख सकते हो अगर आपने टेस्ट सीरीज को आखिरी के सिर्फ दो महीने ही अटेम्प्ट किया तो आप देखो ये सारे क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला हूं क्या अभी आपको पता है कि कौन कौन सी आपके पास प्रॉब्लम है जो आप टेस्ट देते वक्त आपको नजर में आएंगी क्या अभी आपको पता है नहीं आप तीन महीने एग्जाम के पहले अगर टेस्ट लिखोगे और प्रॉब्लम्स कि ये वाला टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको याद नहीं रह रहा इसके टफ क्वेश्चन आए तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे हिल भी नहीं रहे आपको सिली मिस्टेक्स हो रही है कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है टाइम मैनेज नहीं हो रहा है आपको टाइम कम पड़ जा रहा है अगर ये सारी प्रॉब्लम एग्जाम के दो महीने तीन महीने पहले आपको पता चलेगी तो फिर प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम ये है कि आप उनको सॉल्व कब करोगे आपके पास ऑलरेडी आखिरी के तीन महीने में प्रेशर रहेगा बहुत हाई कि रिवीजन भी करना है टेस्ट के इतने सारे टेस्ट भी लिखने हैं अब उन टेस्ट को लिखने के बाद उनमें प्रॉब्लम आएंगी और उन्हें सॉल्व कब करोगे अब तुमको यही नहीं पता है। अच्छा सर प्रॉब्लम भी आएगी टेस्ट सीरीज का मतलब तो खाली प्रैक्टिस होता है कि टेस्ट में हमको परफॉर्म कैसे करना है जो हम सॉल्व कर ही तो रहे इतने दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे थे हमसे क्वेश्चन बन बन रहे रहे थे प्रैक्टिस में में बट टेस्ट में नहीं पा ऐसा क्यों ऐसा तो होगा नहीं हमको तो बन ही जाएंगे करके देखो करके देखो इफ यू आर अ प्लस मेंबर मेरे में लिख के देखो अगर आप प्लस के मेंबर नहीं है तो कोई भी टेस्ट लिख के देखो प्लस के मेंबर को पता है कि मेरा क्विज का लेवल गेट का लेवल के बराबर होता है उससे भी थोड़ा ऊपर होता है मैं जो कोर्सेज में क्विजेस देता हूँ ना वो लिख के देखो एक बार पता चलेगा आप आपका प्रिपरेशन लेवल लेवल किस level तक का है दूसरी चीज डू यू नो वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स क्या आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन में क्या कमी थी दो लोगों ने एक साथ एक ही कोर्स प्रिपेयर किया अंडर एन एजुकेटर बट आपको कैसे पता चलेगा कि उसके कंपैरिजन में मैं कहाँ कम रह गया टेस्ट लिखने से ही समझ में आएगा दोनों ने अगर एक जैसा टेस्ट लिखा तो पता चलेगा कि उसको कितने मार्क्स आए और मुझे कितने कहां पे मेरे में कमी आई ये कैसे पता चलेगा क्योंकि ये कमियां तो सुधारनी है टेस्ट प्रिपरेशन का मतलब है अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रांग करने के साथ ही साथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना कि जब हम एग्जाम में एग्जाम देने के लिए जाएं तो हमारी मेंटेलिटी थिंकिंग प्रोसेस और हमारी जो स्मार्टनेस है डायनामिक थिंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हमें कोई गलत क्वेश्चन जो है या कोई भी क्वेश्चन जो है उसका गलत ऑप्शन दिखे ही ना सही सही दिखे बस सही आपको पता है कि कोई भी पेपर या टेस्ट पेपर को सॉल्व करने में आप कितना टाइम लोगे नहीं पता तीन घंटे से ज्यादा तो ले नहीं सकते गेट पेपर घर पे थोड़ी देंगे बुला बेटा ले जाओ पेपर कल लेके आ जाना इसके सॉल्यूशंस ऐसा तो होगा नहीं तो आपको तीन आर में ही जब वो टाइमर का टिक, टिक 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 आपके सिर पे टेंशन देगा तब आपको ये देखना है कि क्या हमसे टफ क्वेश्चंस उतने प्रेशर में कम टाइम में होते हैं कि नहीं होते हैं जो टॉपिक मुझे पता है उस टॉपिक के क्वेश्चन भी मैंने ट्राई किए हैं उसके भी क्वेश्चन मुझसे जल्दी बनते हैं कि नहीं बनते हैं यह भी आपको टेस्ट लिखने से समझ में आएगा और लास्ट पॉइंट है डू यू नो यू कैन कमिट वॉट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक्स अरे मैंने देखा है थ्री इंटू थ्री सिक्स लिख रहे हैं बच्चे टू इंटू थ्री फाइव कर रहे हैं बच्चे अब मैं बोलूं अब यार इतना कैसे और ये आप भी करोगे मैं बोल रहा हूं सिली मिस्टेक्स इतनी हो जाएंगी अरे सर वो नैनो सेकंड में आंसर पूछा था बट मैंने मिली सेकंड में ही दे दिया आंसर उन्होंने तो लॉजिकल एड्रेस पूछा था मैंने पेज नंबर ही आंसर दे दिया क्यों क्योंकि मेरा दिमाग क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना था कि मेरे को यही नहीं पता चला कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने तो जो निकाला निकाल दिया और आंसर कर दिया ये है दिस इज वॉट गोना हैपन और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लोग अभी इस पर्टिकुलर सेशन को सुनने के बाद कोशिश करेंगे कि चलो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसका तो एक टेस्ट लिख के देखें और उस टेस्ट को जब आप लिखोगे तो ये सारी मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी और फिर आप बोलोगे सर अब क्या करें अब कुछ नहीं करो जो मिस्टेक्स आपको नजर में दिखी उनको सॉल्व करो आपको आपकी मम्मी ने इस वॉल को पेंट करने का काम दिया है एक पीछे मेरे मेरे वॉल है इसको वॉल को पेंट करना है कुछ गंदगी हो गई है इस वॉल पे है ना कलर निकल गया है तो उसको पेंट करने की आपको काम दिया आपने पेंटिंग चालू कर दिया आपकी मम्मी आई और बोला देखो ये गंदा रह गया अब आपको समझ में आ गया गंदा रह गया तो मम्मी आप क्या करूं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछोगे ना उस गंदे को साफ करके और पेंट कर दोगे कलर कर दोगे यही करना है ना तो क्या किया अल्टीमेटली आपने अगर आपको पता चल गया कि कहीं गंदगी थी कहीं पे वॉल छूट गई थी सही से कलर नहीं हुआ तो तो उसको कलर करना है तो टेस्ट लिख के अगर आपके कोई ना कोई गलतियां नजर आती है तो उनको सॉल्व करना है क्यों सॉल्व करना है क्योंकि गेट में यही गलतियां वापस दोहराना नहीं है ना अब एक चीज इसको इस तरीके से सोचो कि कोई आपकी गलती जो आपको अभी पता भी नहीं है कि हो सकती है आप कर भी सकते हो वो आपको पता भी नहीं है आपको अगर वो एग्जाम के आठ महीने पहले मिल जाती है तो क्या उसको सॉल्व करना आसान नहीं होगा आपके लिए रादर देन अगर वही गलतियां सारी की सारी एग्जाम के दो महीने पहले आपके सामने आए तो नहीं है बताओ तो टेस्ट लिखो अभी टेस्ट से डरो नहीं टेस्ट में मार्क्स कम आए हर किसी को कम आते मेरे को भी आए थे पहले टेस्ट में फिफ्टी ही आए थे मेरी क्लास में तो मैं ही हाइएस्ट था फिफ्टी पे मैं उसमें भी खुश था टीचर ने बोला पचासी आए हैं तेरे को सो में से इतना खुश होने का जरूरत नहीं है इंप्रूव करना है इतने से कुछ नहीं होगा एक टेस्ट एक सब्जेक्ट के टेस्ट से एंड आई वाज लाइक मेरा पूरा खुशियां चली गई मैं एक टॉपर हूं सर अरे उन, उन उन्होंने कहा अरे कोई मतलब नहीं है ये इतने सारे लोगों में टॉपर बनने का जरूरत ना ही है तुमको टॉपर बनना है उन सब लोगों लाखों लोगों के सामने जो कहीं और बैठे हुए हैं अच्छी जगह से प्रिपेरेशन भी कर रहे हैं तब पता चला मुझे कि हाँ भैया प्रिपरेशन के लेवल को ऊपर बहुत ले जाना है तो अगर आप लोग डरते हो कि टेस्ट लिखने में मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट अभी क्यों लिखे बाद में लिखेंगे सारे कोर्स पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद टेस्ट ही लिखना है ये कौन सा रूल होता है कि पहले तीन साल तक नेट प्रैक्टिस करेगी सारी की सारी की टीम्स आखिरी में फिर छह महीने सब खेलेंगे और वर्ल्ड कप हो जाएगा ना अच्छा नियम नहीं है तो आप अब क्या करेंगे जो सीक्रेट है वो ये है जैसे जैसे आपका कोर्स खत्म होता है कोर्स खत्म करते वक्त आपको क्या करना है कोर्स पढ़ो डिटेल में क्वेश्चन क्लासरूम में हर किसी क्लासरूम में क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं टीचर्स कराते हैं एक दो पैटर्न के क्वेश्चन फिर आपको भी एक दो देते हैं कि तुम अब ये सॉल्व कर लो उसके साथ में और प्रैक्टिस क्वेश्चन जुगाड़ो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उनकी प्रैक्टिस करो एक कोर्स की अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कोर्स को पढ़ते साथ में ही फिर कोर्स को लर्निंग किया प्रैक्टिस किया फिर उसके बाद कोर्स खत्म होते से ही उसके पीवाई क्यूज लगा लो सारे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन सारे के सारे लगा लो जब ये हो जाए उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ सर कोर्स खत्म हुआ तो फिर आप दो से तीन दिन का रिवीजन करो इस कोर्स का कि जो आपने खत्म किया महीने भर पंद्रह दिन बीस दिन में इस कोर्स का रिवीजन करो और उसके बाद में दो टेस्ट लिखो सब्जेक्ट के और फिर चेक करो कि अभी अभी जो दो महीने में ही आपने एकदम लेटेस्ट में कोर्स सीखा जिसका आपका फ्लो बहुत अच्छा था आपको आप उससे टच में भी थे वो कोर्स में आपको कितने मार्क्स आए फिर देखो क्या क्या गलती हुई उन सारी गलतियों को फिर सुधारो और फिर वापस से अगले कोर्स में ये जो गलतियां आपने की हैं इनको सुधारने की कोशिश करो कि अगले सब्जेक्ट के प्रिपरेशन में मुझे ये गलतियां नहीं करनी है थर्ड ये देखो क्या लिखा है मैंने इसी में सेकंड में इफ यू रियलाइज ऑल ऑफ योर मिस्टेक्स देन हाउ मच टाइम विल यू नीड टू सॉल्व देम ऑल अगर आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगी तो आपके पास है छह सात महीने अलग अलग बहुत टाइम है ताकि आप उनको सुधार पाओ अगर आपने अभी अभी एक कोर्स पढ़ा उसका रिविजन भी किया फिर भी आपसे कुछ चीजें याद नहीं रही तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार मुझे एक कोर्स का मल्टीपल रिविजन चाहिएगा तब जाके उसके कंसेप्ट याद रहेंगे वरना मैं भूलूंगा गलती है सामने आई तो उसे सुधारने के लिए अगला जो प्रिपरेशन है वो अच्छा वाला करेंगे हम जब सारे कोर्सेस हो जाएंगे खत्म इस तरीके से जो मैंने बताया है तो हम कम से कम चार से पांच रिवीजन करेंगे एक एक कोर्स का ताकि क्या मिले हमें ताकि मिले हमें एक ऐसा प्रिपरेशन जिसमें हमें चीजें याद रहे कोई भी मिस्टेक जो हम ऑलरेडी पिछले तीन चार महीने से अपने आप में देख रहे हैं उनको हम रिपीट ना करें सुधारते रहें नेक्स्ट स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को लगता है अरे हो ये तो हो ही जाएगी ये तो कर ही लेंगे ये तो है ही अपने पास इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है नजरअंदाजी वाली जो चीज होती है केयरलेसनेस वो केयरलेसनेस कभी कभी भारी पड़ जाती है हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज पे आपको कंसंट्रेट करना है चाहे वो एक टाइप के क्वेश्चन की अच्छी नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो चाहे वो नोट्स बनाना हो चाहे वो शॉर्ट नोट बनाना हो चाहे वो माइक्रो मैनेजमेंट हो आपके टाइम का या चाहे वो आपके अपने आपके माइंड को कंट्रोल करना हो हर एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना है जो गेट की प्रिपरेशन में आपके पास आती है टीचर बोलते हैं आपको हर चीज को कंसंट्रेट करके सुनना है और हर एक चीज को अमल करना है ऐसा नहीं यारे सर तो बोलते ही रहते हैं हर बार कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं हर आप हर क्या बात सुनेंगे थोड़ी सर की सर ने गेट निकाला हुआ है मल्टीपल टाइम्स मैडम जो भी आपके साथ में है आपके मेंटर हैं उन्होंने गेट एग्जाम दिया हुआ है और उन्हें पता है कि वो कहां गलतियां करते हैं स्टूडेंट तो उन्हें सुनो अच्छे से और अमल करो उन चीजों पे ये देखो ये स्टूडेंट्स के सामने ना बहुत चीजें आती हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चन तो अपने से बन ही जाएंगे तो फिर इनकी प्रैक्टिस क्यों करें प्रैक्टिस इसलिए करो ताकि ये क्वेश्चन आपसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं कुछ दिन पहले का ही मेरा एक्सपीरियंस है मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था ओएस की क्लास चल रही थी अपने अन प्लस पे और मैं पढ़ा रहा था सीपीयू शेड्यूलिंग बच्चों को मेथड समझ में आई उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए बट स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जब आपने वही क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में दिया टेस्ट में दिया तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें मतलब एक एल्गोरिदम का एवरेज वेटिंग टाइम निकालने में हमें तीन मिनट लगे जबकि मैंने उनको कहा था कि वन एंड हाफ मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए वन एंड हाफ मिनट इज मैक्सिमम पर उन्होंने तीन मिनट ऑन एन एवरेज लिए विच इज रॉन्ग विच इज टू मच वो ज्यादा है बहुत ज्यादा है अब आप बोलोगे सर मेथड समझ में आ गई तो फिर हम तो क्वेश्चन तो बनाई देंगे कैसे भी टाइप का है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए टाइम वेस्ट क्यों करें उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो टाइम जो है वो एग्जाम में टाइम सेव करेगा कि कोई क्वेश्चन आप जो चार मिनट में बना दोगे और कोई अगर एक मिनट में बना के चले जाएगा तो उसके बाद बचे तीन मिनट ये तीन मिनट में वो कोई दूसरा टफ क्वेश्चन उठा लेगा जिसके लिए ज्यादा टाइम लगता है मिनट दि एक्स्ट्रा कि एक ऐसे क्वेश्चन को दे देगा जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचा बट उसने तीन मिनट दि एक्स्ट्रा दिए उसको दो मार्क एक्स्ट्रा मिल गए और ऐसे अगर उसने पांच क्वेश्चन में तीन तीन मिनट बचा लिए पंद्रह मिनट में अगर उसने ऐसे तीन क्वेश्चन टफ वाले सॉल्व कर लिए जो आप कर सकते थे अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता पर उसके पास मिला उसने तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व किए छ मार्क्स का अंतर आ गया अब सोच सकते हो छे मार्क्स से आपके आई का आई जो है एनआईटी का एन बन जाएगा सिक्स मार्क्स में इतना डिफरेंस आ जाएगा तो छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं टू मच टाइम लेफ्ट लेट्स गो स्लो आराम से चलते हैं एक एक कोर्स पढ़ेंगे हाँ ठीक है क्रिकेट खेलने भी चल लेंगे दोस्तों के साथ घूमने भी चले जाएंगे ट्रिप भी कर लेंगे पार्टीज भी कर लेंगे मजे भी चल रहे हैं ठीक है आज मूवी देख लेते हैं आज ये कर लेते हैं आज वो कर लेते हैं बहुत टाइम है अभी तो बहुत टाइम है शुरुआत में बहुत टाइम है बहुत टाइम है करोगे तो आराम से करोगे उसके बाद में बोलोगे सर टाइम ही नहीं बचा तो अब क्या मतलब प्रिपरेशन का छोड़ दो कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे तो ये छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और तीसरी चीज है ना, स्कोर एप्टीट्यूड इजीली इजी माय मार्क्स आर कंफर्म तो लोगों को ऐसा लगता है अरे इसमें तो हो ही जाएगा मार्क्स ये तो बहुत इजी कोर्स है इसको क्या रिवीजन करना है इसको क्या प्रैक्टिस करना है इसका क्या देखना है इसके पीवाई क्यू हाँ बनी गए थे जब पढ़े थे तभी तो इसको देखेंगे आराम से करेंगे बाद में जो ईजी है आपके लिए लगता है कि स्कोरिंग है उसको तो और ध्यान दो ना ताकि एक्चुअल में वो स्कोरिंग बने कोई भी कोर्स में से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि आपसे बन जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी है बट ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपसे ना बने इजी होते हुए भी, भी ना बने इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है गेट में क्यों क्योंकि गेट में क्वेश्चन ना एक छोटी सी ट्रिक के साथ आते हैं और वो ट्रिक आपको उस टाइम पे अगर नहीं क्लिक हुई तो गया जो भी आपकी मेहनत थी वो सब चली गई फोर्थ पॉइंट है ये ओवर थिंकिंग और ओवर प्लानिंग ओवर थिंकिंग ओवर प्लानिंग बहुत ज्यादा है मतलब इतना रोज का एकदम शेड्यूल बनेगा कि कल ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो शेड्यूल प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि इतना टफ शेड्यूल बना दिया कि आपकी बॉडी और आपका माइंड उसको ले ही नहीं पाया उस शेड्यूल को फॉलो ही नहीं कर पाया इतना ज्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं रहना प्लानिंग में इतना टाइम निकाल दिया हमने प्लान करने, 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 करने में कि काम तो किया ही नहीं फिर प्लानिंग अगर इतनी ज्यादा कर लोगे ओवर प्लानिंग जितनी चाहिए उससे ज्यादा तो डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा तो आपकी जो मेंटेलिटी जो आपका फोकस है वो सही जगह पे नहीं लगेगा प्रॉब्लम तो आएगी डेफिनेटली आएगी कैन यू स्कोर बेटर वेन यू थिंक बट नॉट डू एनी थिंग ओवर थिंकिंग नो कैन यू स्कोर बेटर वेन यू स्पेंड मोर टाइम देन इनफ टाइम ओनली फॉर प्लानिंग एंड नॉट एग्जीक्यूटिंग द प्लान टू द परफेक्शन क्यों क्योंकि प्लानिंग ही प्लानिंग प्लानिंग ही प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे और एग्जीक्यूशन और पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं दिया सिर्फ प्लान ही प्लान चल रहे हैं हमारे कितने ही टाइम टेबल के पेजेस चेंज हो गए हैं आपके वॉल पे वो आज तक फॉलो नहीं हुआ है एक वीक से ज्यादा कैन यू स्कोर बेटर वेन यू डोंट हैव सेल्फ बिलीव बिकॉज ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग ज्यादा थिंकिंग की वजह से आप अपने आप पे ही शक करने लगते हैं मैं कर पाऊंगा मेरे से नहीं हो पाएगा यार क्या पा, पता नहीं यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैटर से योर ओन सक्सेस यू किल ये ओवर को कैसे एलिमिनेट करना है इसके लिए एक सेशन में अभी थोड़ी देर बाद लेके आने वाला हूँ थ्री थर्टी के बाद से स्टार्ट होगा ये सेशन सुन लीजिएगा बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्शन जरूरी है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए अगर आपका एक्शन पे ध्यान नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे सो इट्स वेरी सिंपल एक्शन शुड बी देर आपके पास एक्शनेबल प्लान होने चाहिए एक्शनेबल प्लान होने चाहिए बट प्लानिंग में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड ना करो कि आप खाली प्लानिंग प्लानिंग में रह जाओ एग्जीक्यूशन हो ही ना पाए एंड वन लास्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेज ऐसा करना है कि आपका टाइम जो है परफेक्शन के साथ यूटिलाइज हो आप मैनेज करने के लिए आपको प्लानिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती जितनी ज्यादा आपको फर्म रहना पड़ता है अपने डिसीजन एग्जाम्पल एक, एक में लेता हूं ठीक है जब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं कॉलेज के कॉलेज के असाइनमेंट एंड ऑल लिखता था तब लगता था यार गेट की प्रिपरेशन तो छूट रही है गेट की प्रिपरेशन कर लेता हूं इसको छोड़ लूंगा बाद में कर लूंगा फिर जब मैं गेट की प्रिपरेशन करता था टेंशन तो होता था यार ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट ये लैब रिपोर्ट बच गई वो कर लेता हूं तो उसको छोड़ के इधर आ गया एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाया क्यों क्योंकि पेंडिंग चीज़ें दिमाग में ऐसे घूमती रहती है कि जो करंट चीज है उस पर फोकस ही नहीं आता है तो एक टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज ही ये है मैं फिर क्या करने लगा मैंने एक वीक में दो दिन ऐसे दे दिए कि इस टाइम पे मैं कॉलेज का ही काम करूंगा चाहे कुछ ही हो जाए अगर नहीं बचेगा कोई कॉलेज का काम तो फिर मैं अपने गेट की प्रिपरेशन पे आऊंगा तो आपको पता है कि कॉलेज कितना डिमांड करता है लैब रिपोर्ट एटसेट्रा 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 तो एक बफर पीरियड पर डे बेसिस पे पे या पर वीक बेसिस पे दे दो जब कॉलेज का, का काम आएगा तो उसी दिन करेंगे थर्सडे को अगर असाइनमेंट देना है तो भी अगर आपका जो स्लॉट है मंडे का है तो मंडे ही उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लो आपका स्लॉट है उस टाइम पे कॉलेज का, का काम करोगे तो आपको रहेगा हाँ यार अपन ने कॉलेज के लिए टाइम दिया है यही टाइम पे कॉलेज का काम करना है कर दो जब आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो टेंशन नहीं होगी कि कॉलेज का, का काम बचा हुआ है क्यों क्योंकि आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ भैया कॉलेज के लिए हमने टाइम दे रखा है उसी टाइम पे हम कॉलेज का, का काम करेंगे अभी हमको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो ये जो बैक ऑफ द माइंड दूसरी चीजें चलती रहती ना ये भी बच गया वो भी बच गया ये भी बच गया है तो ये जो बच गया है ना उनको आप लिख लो एक बारी और फिर जब आपके पास बफर पीरियड मिले कि जब आगे करना है जब आपको सोचने को मिले टाइम की चलो अभी रिलैक्स पीरियड है थोड़ा मिनट का ब्रेक लिया था इसमें देखो कि क्या क्या बचा हुआ है और उस बचे हुए को हम कहां कहां पे स्लॉट इन कर सकते हैं तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना बहुत जरूरी है ठीक है आप जब ऐसे स्विच करते रहोगे ना एक चीजों से दूसरी जगह पे और फिर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता दूसरी चीज है सेविंग टाइम फ्रॉम डाउट सॉल्विंग मैंने ये भी देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि डाउट एक आया छोटा सा ग्रुप पे डाला ग्रुप पे लोग डिस्कस करेंगे अरे हाँ ये इसका आंसर ये अरे इसका आंसर ये उसका आंसर ये ऐसे क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया फिर आप चार लोगों को अलग पूछोगे चार अलग अलग लोग आंसर देंगे टीचर ने कभी आंसर दे दिया तो ठीक है नहीं तो फिर आप उसमें आधा घंटा वेस्ट कर दिए एक छोटी सी चीज थी छोटी सी जिसको आप किसी क्लास में जाके और डिस्कस करते तो हो जाती अगर उसके बेसिस पे आपके पास एक क्वेश्चन पेंडिंग है तो कोई बात नहीं उस क्वेश्चन को बाद में कर लेना अगर पूरा का पूरा चैप्टर ही उसी कंसेप्ट बेसिस है तो फिर आप इतना टाइम स्पेंड भी करोगे चलेगा बट नहीं उस क्वेश्चन का आंसर अभी आना चाहिए मेरे को और अभी के अभी सॉल्व होना चाहिए नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी तो ये जो डाउट सॉल्विंग में आप टाइम वेस्ट करते हो उसको सेव करो कैसे सेव करेंगे कि आप अगर एक क्वेश्चन पेंडिंग रहता है तो पेंडिंग रहने दो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर या कहीं ना कहीं ऐसा मौका तो आएगा जब उसका आंसर आपको मिलेगा मिल जाएगा प्लस के के स्टूडेंट्स लिए तो कोई टेंशन ही नहीं मैं हर दिन कम से कम एक क्लास तो लेता ही हूं दो दिन के लिए अगर आप अपना डाउट पेंडिंग में रखोगे तो तीसरे दिन चौथे दिन वैसे ही मेरी डाउटिंग क्लियरिंग क्लास आती है अन अकेडमी प्लस के लिए तो हमने एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर रखा है अलग से और क्या चाहिए पर टाइम वेस्ट नहीं करना है एट द मोमेंट क्योंकि एट द मोमेंट मैंने डिसाइड किया है है कि मेरे को प्रैक्टिस करना पचास क्वेश्चन की दो क्वेश्चन सॉल्व किए तीसरे क्वेश्चन में अटक गए घंटा टाइम पास और आपको क्या लगेगा अरे मैंने तो गेट की प्रिपरेशन की मैं तो डिस्कस कर रहा था लोगों से ग्रुप पे मुझे तो लर्निंग मिली और मैं बोलूंगा कि वो एक घंटा तूने बर्बाद किया बेटा उसमें कोई खास लर्निंग नहीं हुई एक घंटे के इक्वेलेंट लर्निंग नहीं हुई टाइम मैनेज नहीं कर पाया एफिशियंटली ये देखो सेविंग टाइम फ्रॉम अननेसेसरी डिस्कशन ऑन द ग्रुप जो मैंने अभी बताया आपको सेविंग टाइम फ्रॉम वॉचिंग लेक्चर्स ऑन सेम लेक्चर्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस ये जो चीज है ये फ्री फ्री लर्नर जो है ना जो ओपन सोर्सेस से पढ़ते हैं उनके पास में तो ये भर भर के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया एक जगह से पर कोई दूसरा टीचर भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है वहां भी चले गए और पूरा लेक्चर सीरीज देख लिया और कितना सीखने को मिला इतना उससे कितना फायदा हुआ इतना सा पर टाइम कितना स्पेंड कर दिया इतना और मजा क्या आया सर हम तो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं नाइस nice. अगर एक ही चीज को बार बार अलग अलग नोट से अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो बहुत डिफरेंट नॉलेज नहीं मिलेगा हाँ उसी चीज को दूसरे तरीके से बोलना समझ में आ जाएगा किसी नए तरीके से पढ़ना समझ में आ जाएगा बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके स्कोर में बढ़ोतरी होगी बहुत ज्यादा या आपके उस कोर्स के अंडरस्टैंडिंग में बढ़ोतरी होगी अगर आपको कोर्स बिल्कुल ही समझ में नहीं आया है तो आप जाइए फिर आपने पहली बार गलती की कि ये वाला कोर्स जो है वो अच्छे से पढ़ना था अच्छी जगह से वरना गलती हो गई तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत 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 जरूरी है वरना आप लोग पछताओगे और अगर आप लोग रिग्रेट करोगे तो मुझे और ज्यादा रिग्रेट होगा क्योंकि मैं मैं सोचता हूं कि यार मैं बता सकता था इस बच्चे को कि ऐसा मत कर मैं बता सकता था इन सारे स्टूडेंट्स को कि ऐसा कर ऐसा ना कर बट उन्होंने सुना नहीं